चल। सभी दर्शकों को ऋषिपाल दूंड का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उस मार्ग पे जो कभी, जब से हम देख रहे हैं लगभग 30 साल से, कभी ठीक नहीं हुआ है। और ये जो मार्ग है जोलाना से नानूद होते हुए हिसार कैंट को जोड़ता है, ये आर्मी का भी रास्ता है। लेकिन फिर भी सरकार रोज़ दावे करती है हम रोड ठीक करते हैं, यात्री को सुविधा देते हैं। यहाँ क्या होता है, महीने दो महीने तीन महीने में ऐसे सरकार रोडा डाल देती है और तारकुल नहीं डाल देती। देखिए आप, मैं कैमरा मैन से कुआं दिखाना भाई साहब, खड़े कितने गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पर। रोज़ाना एक्सीडेंट भी होते हैं, कारों के टायर भी फटते हैं, कमानी भी टूटती हैं, बहुत नुकसान होता है। और सरकार, फिर कहता हूँ कि दावे करती है केवल रोड़ा गिर जाते हैं। हमने, हमारा एक साथी है बजेंद्र पांचाल पंजाब केसरी वाला, उसने आज फ़ोन भी किया था, जो PWD का SDO है, उसने कहा कि हम जल्दी करेंगे। हमने सरकार के नोटिस में दे दिया है, केवल कहने कहने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है। और देखिए, फिर कहता हूँ रोडे ही रोडे पड़े हैं, ये खड्डे बिल्कुल खाली हो जाते हैं, दो दिन तो भरे रहते, तीसरा दिन खाली, फिर यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जल्द से जल्द बता दूँ कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कहाँ से हो? सरसा खेड़ी से। सरसा खेड़ी से कहाँ से आ रहे हो? इगरा से आ रहे हो। अभी नहर से उरली तरफ कितनी परेशानी का आपने सामना करना पड़ रहा है, जो ये रोड टूटा हुआ पड़ा है? परेशानी तो सारी है सर, सारी है, खड्डा में गद गद रहे, गद गद रहे। ये तो ऐसा रास्ता है कि साइकिल नहीं चल सकता, ना चोट मारना रास्ता, चोट मारने का रास्ता है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से अपील है, करवा देंगे मरम्मत, मरम्मत करा दे, बढ़िया करवा देंगे। टैक्स भर रहे हैं अपने, टैक्स भर रहे हो, रोड टैक्स भर, हर गाड़ी वाला भरता है टैक्स। हाँ, गाड़ी लायक का और टूल टैक्स अलग भरा है, गाड़ी अलग चले। तो फिर भी आपको सरकार सुविधा नहीं दे रही? कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस रोड पर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, अभी रोड से गुजर रहे हो, ये जोलाना से नानून जाता है, आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी सात दिन रोज टूटे रहो इस रोड पर। तो भाई कहाँ से हो आप? मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से आए हो? हमारा तो जितनी बार भी आऊँगा टूटा है, ऐसे टूटा ही मिला इसका। हमारा तो जितनी बार भी आऊँ टूटा ही मिला ही। तो गाड़ी में भी काफी नुकसान होता होगा, जैसे पंचर का है, कमानी है, और है, बिल्कुल नुकसान तो है। इनका पता नहीं किसका हल्का है, बाकी इतनी बूंदी हालत है इस रोड। ये हल्का तो जी जींद का है, वैसे जींद का तो जींद में लगता है। विधायक भी होगा? विधायक से जी अमरजीत ढांडा। अच्छा, ढांडा तो जब ढांडे काम कर रहे हैं। क्या अपील करोगे आप? सरकार तो दिया है अपील है, इस रोड जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। ये थी हमारी यात्रियों की रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलिए, अभी देखिए एक और भी गाड़ी आई है, HR 12 11 0। भाई साहब नमस्कार, शीशा उतार दो। कहाँ से आए हो? जलाना से। कहाँ जा रहे हो? उगाड़न। उगाड़न, तो इस रास्ते से हर टाइम गुजरते होगे आप? हाँ, दूसरे तीसरे दिन। हाँ। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा परेशानी है। ये कभी रोड आपको ठीक भी मिला है? कभी नहीं मिला। सरकार तो रोज दावे करती है हमने रोड बना दिया, ये कर दिया, यात्रियों की इतनी सुविधा दे दी, कुछ नहीं जी। हमने तो इस रोड पर घटिया रोड आती कितने देखा ही नहीं है, कदे भी ठीक नहीं रहा जी ये रोड। तो कहने का मतलब ये है कि आप काफी परेशान हो इस रोड से? बहुत ज्यादा परेशान है जी। ये थी हमारी यात्रियों की रिपोर्ट, अभी पीछे एक गाड़ी और आ रही है, उसकी भी रिपोर्ट सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी। ये HR 15 4006। भाई साहब नमस्कार। कहाँ से हो आप? जमोला गांव से। ये जो रोड है आपको पता है, जोलाना से नानूंद को जोड़ता है, यहाँ को आने जाने में कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपका दूसरे तीसरे दिन चक्कर लग जाता होगा हर रोज? हर रोज क्या कोई सर्विस करते हो आप? नहीं, जैसे आपका आना जाना रहता है सर, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, काफी परेशानी है। तो गाड़ी में कितना नुकसान होता है सर? ये तो आपको पता है, पूरे रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। सरकार तो बस इन पे केवल रोड डाल देती है, तारकुल नहीं डालती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यात्रियों की ये थी रिपोर्ट, और भी सुनाएंगे एक दो भाइयों की। यहाँ पर जो भी यात्री जा रहा है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अति दुख है यात्रियों को यहाँ आने जाने में। और सरकार, फिर बताता हूँ, रोज़ाना दावा करती है कि हमने इतने बढ़िया रोड बना दिए, यात्रियों को इतनी बढ़िया सुविधा दिखा दी, और भारत को एक नई दिशा दी।
यहाँ यात्रियों का कहना है कि हम भी जब भी आते हैं इस रोड में तो केवल खड़े ही खड़े मिलते हैं, और भी यात्रियों की रिपोर्ट आएंगे। जुड़े रहिए टोरा दून। देखिए धीरे धीरे गाड़ी आ रही है, और ये गाड़ी वाला भी आपको दिख रहा है, कभी इधर लेता है कभी उधर लेता है, इसकी भी रिपोर्ट जानेंगे। और ये गाड़ी भी अप्लाई फोन नंबर है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? संत नाम है। संत जी कहाँ से आए हो? जिन से आए हो। कहाँ जाओगे? अभी खांडा जाएंगे। खांडा जाएगी। ये जुलाने से इसार जाता है रास्ता, नानू रोते हुए इसार कैंट को भी जोड़ता है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो गाड़ी में कोई नुकसान भी होता होगा? बिल्कुल होता है जी। और टाइम भी बर्बाद होता होगा? टाइम का तो पूछो ही मत है, और गाड़ी का नुकसान अलग बात है, और बाइक वालों के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत ज्यादा है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो लिए होंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, रोज का काम है जी। देखिए ये थी हमारे साथ संत जी, और सभी का कहना कि बहुत परेशानी का। दोस्तों ये दिखाई हमने जुलाना से नानुंद मार्ग की जो रूपरेखा थी, जो लोगों की परेशानी थी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ करेला से ऋषिपाल दूण। वंदे मातरम। जय भारत।